नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। भोपाल में लॉकडाउन खुलते ही बड़ी लूट की घटना। आज सुबह दो ट्रेन स्नेचिंग की वारदातें हुई घटित, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह करेंगे पीएम से मुलाकात, पीएम मोदी से कोरोना की स्थिति और मीटिंग, कई जरूरी विषयों पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के तीखे तेवर, कांग्रेस पार्टी पर भी साधा निशाना। सारंग बोले, दिग्विजय सिंह देश को तोड़ने का करते हैं काम। भोपाल में लॉकडाउन खुलते ही लूट की वारदातें बढ़ने लगी है। भोपाल के कोयफिजा में मंगलवार सुबह दो चैन स्नेचिंग की वारदातें हुई। बताया जा रहा है कि एक 70 साल की महिला और दूसरी 21 साल की लड़की के साथ इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में संज्ञान में आने के बाद कोयफिजा पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं भोपाल डीआईजी ने भी आरोपियों पर 20,000 का इनाम घोषित किया है। बीती रात इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार कार ब्रिज पर पलट गई और चकनाचूर हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर किए गए अब तक के प्रयासों की जानकारी पीएम को देंगे, साथ ही वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन की अपडेट से भी उन्हें अवगत कराएंगे। इस मीटिंग के दौरान तीसरी लहर की तैयारी और मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में प्रदेश की कोरोना की स्थिति को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर काबू पा लिया गया, साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्टिंग और वैक्सीन को भी बढ़ाया गया है। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के जितने भी आस्था केंद्र हैं उन्हें बदनाम करने का काम कांग्रेस, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह करते ही रहते हैं। इस दौरान गृह मंत्री ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बहस के लिए चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वे राम के विषय में कमलनाथ से बहस करने के लिए तैयार हैं। अगर अपन पिछले महीने चले जाएं, एक महीने पहले में, तो एक दिन में एक शहर में इतने केस निकलते थे जितने पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं एक्टिव केस। संक्रमण दर अब 0.5% से भी नीचे घट गई है, अब 3.1% ही रह गई है, जबकि रिकवरी रेट हमारी 98.4 रिकवरी रेट है। जैसा कल भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम कोरोना का फन कुचलने के लिए तत्पर हैं बिल्कुल, और इसलिए 70,000 से ऊपर रोज टेस्ट मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। कहीं से मिलने पर कोरोना की स्थिति को तत्काल उसे वहां कवर करेंगे और तीसरी लहर मध्य प्रदेश में ना आए इस बात की पूरी चिंता करेंगे। 15 जिले आज ऐसे आए हैं जहां कोई भी पेशेंट कोरोना का नहीं मिला है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं, जिसके चलते लगभग सभी गतिविधियों को शुरू कर दिया गया, तीसरी लहर पर भी काम शुरू कर दिया गया है। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मंत्री सारंग ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है, साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने देश को तोड़ने का काम किया है, वे आतंकियों के साथ खड़े हुए हैं। प्रभाव देख रहे हैं हम, जवाहरलाल नेहरू ने ये बात शुरू की। जवाहरलाल नेहरू ने लेडी माउंटबेटन के साथ मिलकर अपनी अंतरंगता को बढ़ाते हुए इस देश के दो टुकड़े किए। वो कश्मीर को अलग करना चाहते थे, पूरे देश में अलग अलग राज्यों को
एक साथ करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, पर कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं अपने हाथ में रखा, केवल इसलिए कि वो चाहते थे कि कश्मीर अलग हो जाए, पाकिस्तान के साथ चला जाए, और इसीलिए धारा 370 लगाई गई। जो पाप जवाहरलाल नेहरू ने किया, उस पाप को धोने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया है। मैं दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके कभी भी मंसूबे पूरे नहीं होंगे। कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। लगातार इस देश में अराजकता का काम फैलाने का काम लगातार दिग्विजय सिंह जी ने किया है, ये निंदनीय है, शर्मनाक है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।